press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हो सकता है कि आपने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ दी हो या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CSE नॉलेज बेस के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है और इसके तहत लोन आपको कैसे मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बैंक से कॉन्टैक्ट करना होता है और साथ ही अपनी सैलरी स्लिप शो करनी होती है कि आपकी इनकम कितनी है। उसके बाद बैंक की तरफ से आपका क्रेडिट स्कोर और डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, तब जाके कहीं लोन प्रोसेस पूरा होता है, जिसमें टाइम भी बहुत लगता है और आपको भागदौड़ भी बहुत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो देश के युवा शिक्षित आबादी के लिए बनाया गया था जो कि बेरोजगार हैं, इस योजना के तहत आपको अपने पिछला वेतन जमा करने, अपने क्रेडिट स्कोर का मूल्यांकन करने और अपने लोन को मंजूरी देने के लिए ज़्यादा भागदौड़ करने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस स्कीम के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, और अगर आपको पता है तो आप रिवाइज कर लें। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना क्या है। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार, सेवा या व्यापार उद्यम शुरू करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए भारत के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी वाले वित्त सहायता देना है। मान लीजिए अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या लोगों को सेवा देना चाहते हैं, यानी अगर आप अपनी शॉप खोलते हैं और आप रिचार्ज, बिल पेमेंट और अन्य ऑनलाइन सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो इसे सेवा कहा जाता है। अगर आपकी उम्र 18 से 35 के बीच है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आवेदन करने वाला यानी आवेदक महिला है या SC और ST जाति से है या पूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो आवेदक को 10 साल की उम्र की छूट मिलेगी। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों के नागरिकों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। इसके अलावा आपको कम से कम 3 वर्षों के लिए अपने क्षेत्र के स्थायी निवासी होना चाहिए, आपको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और पति पत्नी और माता पिता के साथ आवेदक की कुल वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कम से कम 6 महीने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त व्यापार संस्थान से पढ़ाई की है तो आपको ऋण में प्राथमिकता दी जाए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लोन किसे नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था के भुगतान में एक डिफॉल्टर रह चुके हैं, डिफॉल्टर यानी अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है और वह लोन पे नहीं कर पाया है तो इसे डिफॉल्टर कहेंगे। तो अगर आप डिफॉल्टर हैं तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। आपको इस योजना में लोन तब भी नहीं मिलेगी अगर आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी सब्सिडी योजना से सहायता प्राप्त कर चुके हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है और आप इसका लाभ ले चुके हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही खेती से जुड़े लोग भी इस योजना को नहीं ले सकते, लेकिन किसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी खेती से प्राथमिक रूप से संबंध रखने वाले किसान इस योजना को ले सकते हैं। अब मैं आपको इस योजना के तहत मिलने वाले कवरेज और ब्याज दर के बारे में बता देता हूँ। PMRPY के तहत अलग अलग सेक्टर में मिलने वाली अधिकतम लोन राशि अलग अलग है। अगर आप बिजनेस सेक्टर में लोन लेना चाहते हैं तो 2 लाख, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में लेना चाहते हैं तो 5 लाख, अगर आप पार्टनरशिप के लिए लोन लेना चाहते हैं और अगर पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग शामिल हैं तो 10 लाख का लोन मिल सकता है। अगर आप सेवा क्षेत्र में 2 लाख की लागत वाला बिजनेस शुरू करते हैं तो
तो आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर आप कोई छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। अगर बात करें ब्याज की तो यह समय समय पर बदलता रहता है, तो जब भी आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो करंट रेंट पता कर लें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सब्सिडी 15 से 20% तक मिलती है, जो प्रति व्यक्ति 12,500 रुपये है। मान लीजिए आपने 83,000 रुपये का लोन लिया है, इसके साथ आपको 15% सब्सिडी के तौर पे 12,450 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इससे ज़्यादा की राशि का भी लोन लेते हैं तो भी सब्सिडी आपको 12,500 ही मिलेगी। अगर आप उत्तर पूर्व राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों से हैं तो इन क्षेत्रों के लिए सब्सिडी 15,000 रुपये है। इस योजना के लिए कार्यकाल 3 से 7 साल का है और व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण 7 दिन से 10 दिन और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15 से 20 दिन का होगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन के लिए आपको अपने निवास क्षेत्र के DIC के महाप्रबंधक से संपर्क करना होगा। आशा करता हूँ आप मेरी दी हुई जानकारी को समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। साथ ही अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।